हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं कबाब। और हमारे लोगों के किचन में क्या होता है कि दाल तो रोज़ ही बनती है, और दाल खाने के कुछ नए बहाने चाहिए कैसे खाएं कि जो ये टेस्टी बन जाए, और कौन सी नई डिश बनाएं जो ये बहुत ज़्यादा हमको अच्छी लगे। वैसे तो ये नॉन वेज में कबाब ज़्यादा खाए जाते हैं, लेकिन आजकल तो वेज कबाब का प्रचलन बहुत है, और ये वेज कबाब आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आप किसी भी टाइम टिफ़िन में, बाहर घर में मेहमानों को कभी भी कैसे भी खिला सकते हैं, और बहुत ही आसानी से ये बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो इसके लिए हमने देखिए यहाँ पे ये आलू को ग्रेट किया है, और थोड़े से आलू बॉयल्ड थे मेरे पास, 3 से 4, उनको हमने ग्रेट कर लिया। ये ज़रूरी नहीं कि पूरा आलू पड़ जाएगा, लेकिन हमने 4 आलू को बॉयल करा हुआ आलू को ग्रेट करके रख लिया है। इसको आप कद्दूकस में ग्रेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो किसी और चीज़ से, मैशर से अच्छा सा मैश कर लीजिए, जिससे इसमें एक एक रेशा मिल जाए अच्छे से। और यहाँ पे हमने ली है देखिए मूंग की दाल। ये मूंग की दाल रात में आप भिगो दें, या 7-8 घंटे दिन में भिगो दें, तो ये आराम से बहुत जल्दी ही फूल जाती है। तो इस मूंग की दाल को हम मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे, और इसमें डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च। इसको साथ में ही ग्राइंड कर लेंगे। देखिए सारी दाल हमने ग्राइंड कर ली है, ये ज़्यादा नहीं, 2 कटोरी दाल सिर्फ थी, भीगी हुई 2 कटोरी दाल, और उसका ये बारीक पेस्ट बना लिया। जितना बारीक हो सकता है उतना बनाइए, लेकिन पानी बिल्कुल भी ना ऐड करिए। और इसमें हम डालेंगे थोड़े से ये मैश करे हुए आलू। तो आलू पूरा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा डालेंगे, जितनी दाल हो उस हिसाब से डालें, यानी कि दाल जितनी है उसका एक हिस्सा आलू हम डालेंगे। तो ये मैश करा हुआ आलू हमने इसमें देखिए डाल दिया है 3 से 4 चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद डालेंगे इसमें हम थोड़े से मसाले। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, और डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। तो हमने डाल दिया लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, और ये है काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर है। और अब लेंगे 1 चम्मच ये जीरा पाउडर है, और इसी में हम नमक ऐड कर देंगे। सारे मसाले और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए। और यहाँ पे है जिंजर गार्लिक पेस्ट, यदि ये ना हो तो आप गार्लिक को अच्छे से मैश कर लीजिए, या फिर सिलबट्टे पे पीस लीजिए, क्योंकि मिक्सी में ये जल्दी नहीं पिसेगा, कम गार्लिक, इसलिए आप जैसे चाहे वैसे डाल सकते हैं। और इसमें हमने डाले हैं थोड़े से ब्रेड क्रम्स, अच्छी बाइंडिंग के लिए ब्रेड क्रम्स डाला है, कुछ लोग नहीं भी डालते हैं, लेकिन जैसा स्वाद चाहिए उस हिसाब से आपको कुछ ना कुछ तो मिलाना ही रहता है। और ये कबाब आपको बहुत ही मुँह में घुलने वाले, बहुत ही लजीज लगेंगे। तो इन सबको पहले हाथ से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए चम्मच से मसाले मिलाएंगे तो उतने अच्छे नहीं मिलते हैं, इसलिए हाथ तो ज़रूर लगाएं। और इसमें हमने डाला है थोड़ी सी ये आमचूर पाउडर है, आप चाहें तो यहाँ पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं, और यदि आपको खट्टा बिल्कुल ना पसंद हो तो आप वो भी ना डालें। आमचूर पाउडर या फिर नींबू का रस इसलिए डालते हैं कि दाल में हल्की सी मिठास होती है, और आलू भी बिल्कुल सादा होता है, तो हम डाल देंगे तो टेस्टी होगा। और इसको हम अब इस तरह से गोले बना बना के छोटी छोटी टिक्कियों की तरह बना लेंगे। इसका साइज भी आप छोटा बड़ा जैसा बनाना चाहें बनाएं, लेकिन टिक्कियां छोटी और पतली होंगी तो कबाब बहुत टेस्टी और बहुत ही कुरकुरा बनेगा, तावे पे सेकने में ये बहुत अच्छा सा सिक जाएगा अंदर तक, इसलिए जहां तक हो तो छोटे छोटे ही कबाब बनाइए आप। और इसी तरह से सारे कबाब हम बना के रख लेंगे। हाँ, आप ये चाहें तो इसको लंबा स्टिक ही बना सकते हैं, जैसे कि स्टिक लगा के, तो जैसे लंबे लंबे बेल के इनको हाथ से, तो उस तरह से भी बना सकते हैं, और इनको तल भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इनको तलेंगे नहीं, सिर्फ तवे पे डाल के रोस्ट करेंगे। आप इनको बनाकर फ्रिज में भी लगा सकते हैं, कि एक दिन पहले ही या 2 दिन पहले ही फ्रिज में लगा देंगे
तो एयर टाइट डिब्बे में रख दीजिए, तो जब मन हो तो आप निकालिए और फटाफट इसको सर्व करिए। और इसके साथ हम बनाएंगे एक चटनी। तो यहाँ पे हमने दो टमाटर लिए हैं, एक प्याज लिया है, और ये लाल मिर्च है, जो हरी मिर्च में लाल मिर्च होती है वो वाली। तो इन सबको हम मिक्सी जार में डालेंगे। बहुत सिंपल सी चटनी है, लेकिन बहुत ही टेस्टी चटनी ये तैयार होगी। और इसमें हम डालेंगे नमक, लहसुन तो चटनी में सभी डालते हैं, लेकिन एक बार प्याज डाल के भी आप चटनी बनाइए, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। और इसमें डालेंगे एक ढक्कन लगभग विनेगर, और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो चटनी तैयार है मेरी, और तावे पे हम डालेंगे ऑयल, दो चम्मच लगभग ऑयल डाल दिया है, और इसको फैला के और इसी पे हम अपने सारे कबाब बिछा देंगे। देखिए कितनी जल्दी और कितनी आसानी से ये कबाब बन जाते हैं। और आप चाहें तो इसे टिफ़िन में दे सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, कि सब्ज़ी की जगह आप इस तरह के कबाब बना के देंगे तो उनको दाल भी मिल जाएगी और सब्ज़ी की ज़रूरत भी नहीं महसूस होगी। और आप ऑफिस वाले टिफ़िन में भी रख सकते हैं। और मीडियम फ्लेम पे ही इसको हम भूनेंगे। देखिए तेल को चारों तरफ, तावे को इधर से उधर हल्का हल्का घुमा देंगे, तो ये ऑयल जो है ना सब तरफ चलता रहेगा, एक जगह रुकेगा नहीं। वैसे तो ये किनारे पे ऑयल रुक जाता है, लेकिन इस तरह से हम हल्का हल्का इनको भी खिसका देंगे, कबाब को भी, और इनको पलटते भी रहेंगे। तो पहले हम इनको एक तरफ सिक जाने दें, और अपने तवे को अच्छे से इधर से उधर घुमाएंगे, तो ये ऑयल भी हर तरफ फैल जाएगा और कबाब में लग जाएगा। इसके ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, एक एक दो दो बूंद सब कबाब पे डाल देंगे। तो जब आप इनको पलटेंगे तो ये दूसरी तरफ से भी बहुत क्रिस्प सिकेंगे। यदि एक हाथ से आपको ना बन रहा हो तो आप दूसरा स्पैचुला लगा लीजिए साथ में, और देखिए कितनी आसानी से पलटते बन रहे हैं। और देखिए कितना अच्छा सा ये सिका भी है, बिल्कुल लाल कलर, गोल्डन कलर आ गया है इसका। तीन चार मिनट में ये अच्छे से सिक जाएंगे, और आप इनको हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे ऊपर से, तो ये थोड़े और अच्छे हो जाएंगे। बस हल्के हाथों से हल्का हल्का सा प्रेस कर दीजिए इनको, तो ये अंदर तक ऑयल जाएगा और ये अंदर तक बहुत अच्छे से पकेंगे। क्योंकि दाल भीगी हुई है तो पकने में तो टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये बहुत अच्छे से क्रिस्प भुनेंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। देखिए दूसरी तरफ भी कितना लाल और गोल्डन कलर इसका आ गया है, और इस तरह से आप इसको सेकें, ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसका, और बहुत बढ़िया परत इसकी तैयार हुई है। तो ये कबाब मेरे तैयार हैं, तो चलिए जल्दी से सर्व करते हैं। ये रही मेरी चटनी जो हमने बनाई थी, और ये चटनी आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी चटनी है, और इसके साथ कबाब खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। गर्मा गर्म कबाब तैयार हैं, और आपको ये रेसिपी फ्रेंड्स कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपने मेरा चैनल यदि ना सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं। मुझे तो ये कबाब बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।